अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। आज ईद है और अभी बज रहे हैं सुबह के कितने बज रहे हैं, 7:11। आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। अभी आपको दिखाती हूँ खीर बन रही। तो गैस जी, हमारी खीर बन रही है और ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब थोड़ी सी उसके ऊपर मेवा वगैरह डालते हैं और ये लीजिए, इसको बनाते हैं टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी, जो कि हमने बना ली। तो गैस, खीर भी बन चुकी है और ये छोले भी हो चुके हैं रेडी। आज 2-4 आइटम बनाएंगे न्यू को। हमारी खीर, यानी खीर के पास लाती टोच की बंद हो रहा फोन। हमारी खीर लाजवाब टेस्टी टेस्टी, केसर वाली खीर। हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस, ईद मुबारक। दानू बोलो ईद मुबारक। ईद, अच्छा नूर बोलेगी। नूर कैसे चमक रही है देखो, आज हमारे बच्चे कितने प्यारे आउटफिट में है। और दानियाल तो बिल्कुल ही अलग वो बना हुआ है, क्या कहते हैं उसको, शेख। हबीबी, तुम खीर खाती तुम। ईद मुबारक दादी, ईद मुबारक। चलो फोटो खिंचाओ, बुरा जल्दी दे। तो ये हमारे दोनों बच्चे, पहन लो। पहनो क्यों, चम्मच लाया खाने के लिए। ईद मुबारक बोलो सबको, जल्दी से ईद मुबारक बोलो। अब तू कहाँ जाएगी, जा जल्दी भग जा, झूला झूल गया पहले तो। तेरी ईद जब बोले दूसरे कपड़े चेंज कर लिए। आपकी मेहंदी तो दिखाओ, ये देखिए इसकी प्यारी प्यारी मेहंदी अप्पी ने लगाई थी। इसने ना दूसरे कपड़े चेंज कर लिए, अब शाम को पहनेगी वाले कपड़े, ये कल पहनेगी, है ना। अस्सलामुअलैकुम, तो हम लोग हो चुके हैं रेडी और ये गुड़िया का आज का आउटफिट है। और अगर इसने मास्क लगाया होता तो मैं इसका पूरा दिखाती हूँ, कर ले जल्दी से। हाँ, तो ये देखिए इसका आज का आउटफिट है, ये कैसा लग रहा है। और अभी गुड़िया मेरा आउटफिट दिखाएगी आपको। तो हेलो गाइस, और ये है रीना का आउटफिट ईद का। तो फ्रेंड देखिए, आज ईद है तो हम तैयार हो चुके हैं। आपने अभी मेरा आउटफिट देखा, वासीमा है आपको नजर आ रही होगी। और ये मैं हूँ, फत्तो आ जा, फत्तो ईद मुबारक बोल, जल्दी बोल। पार्टी वा, चल बाहुली, ईद पे पतंग चाहिए, चल अंदर जा, पतंग चाहिए भैया। तो गैस, हमने फिर पताशी मंगा खाई, तो हमें भूख लग रही थी ईद वाले दिन, तो सोचा घर में बैठ के ईद मना लेते हैं। तो पानी पूरी आ गई थी और हम खा रहे थे, बच्चे भी खा रहे थे। और ये भाभी आई थी, ये भाभी की बच्ची थी, छोले खा रही थी। बन गई ईद, पहली गैस बना ली ईद। पूरे महीने रोज़े रखते हैं ईद के लिए, सिर्फ एक दिन ईद के लिए पूरे महीने हम अल्लाह को राज़ी करते हैं, इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। और इस एक दिन के लिए हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि आपको क्या बताएं, हजारों हजारों रुपए के कपड़े खरीदते हैं, हजारों हजारों के कपड़े खरीदते हैं। और ना क्या करते हैं, इस एक दिन के लिए हजारों हजारों कपड़े खरीद के लेके आते हैं, बस एक ईद के लिए। इतनी खुशी होती है हमें हमारी ईद की, आप लोगों को हम क्या बताएं। और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे हम तैयार होते हैं और 1.5 घंटे फोटो खींचते हैं और उसके बाद जूड़ा पाना और बन गई। गाइस, हम लोगों ने ईद सेलिब्रेशन कर लिया और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब मैंने जैसे तैसे फ़ोटोशूट किया है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि ईद थी, पूरे रमजान रखे थे, थोड़ी खुशी तो मनानी ज़रूरी थी। ये मीठू जो कितना बोल रहा कम से, तो मीठू मुझे बिल्कुल ही बात नहीं करने दे रहा। तो मैं कह रही थी कि मतलब तबीयत इतनी ख़राब थी कि कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी, एंड देन जैसे तैसे करके मैंने शूट किया। और आज ईद वाला व्लॉग मैंने एंड कर दिया है, क्योंकि मेरा ईद वाले दिन व्लॉग आएगा मेरा चांद रात वाला,
तो फिर वो देखना, और फिर उसके बाद ये वाला व्लॉग तो आपको देखना ही है किस तरीके से हमने इस सेलिब्रेशन की, छोटी सी सेलिब्रेशन की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कुत्ता। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस। मैं हूं अपनी फ्रेंड के घर। शिरो खोल सकती हूँ वैसे तो मैं गेट तुम्हारा, आ चुकी हूँ मेरी फ्रेंड के घर पर। कोई भी नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा खाली है, कोई भी नहीं है इसके घर में। जो हम शिरीन के घर बैठे हैं यानी कि मेरी फ्रेंड के, अभी वो चेंज करने गई है। वो ऐसे ही वेट कराती है, जब मैं आई थी मेरे आने से पहले बोल रही थी कि मैं रेडी हो रही हूँ, और वो अब तक रेडी हो रही है। तो फिर शिरीन और हम आ गए थे दूसरी वाली फ्रेंड के घर, जूबिया के घर। तो हम कर रहे थे वहाँ बातचीत हसी मजाक। तो गाइस हम आ चुके हैं निक्की दी के घर। हमें अपने घर आने नहीं दे रही थी, हम जबरदस्ती आए हैं। अंधेरा हुआ है सीढ़ियों पे, मुगलों के जमाने का घर है इनका ये। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बताओ आने ही नहीं दे रही हमें, बताओ ये सब होता है क्या? तो फिर हम सीधा आ गए थे बाहर, और बाहर आने के बाद शिरीन ने कहा कि चल इधर उधर कहीं घूमने चलते हैं। तो आसपास कुछ नहीं दिखा हमें, हमारे पास में एक मॉल दिखा तो हम वहाँ चले गए, और यहाँ पर जाके देखते हैं क्या सीन। घूमते घुमाते फ्रेंड्स के घर से घूमते घुमाते आ गए हैं मॉल में। शिरीन का दिल कर रहा था कहीं लाइट में जाना है, लाइट में जाना है, तो मैं इसे मॉल लेके आ गई। अभी इसने मास्क लगा रखा तो इसको ले सकती हूँ मैं, तो इसलिए है शिरीन तो आराम कर। जब भी और कोई इतना फेमस चैनल भी नहीं है मेरा के कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, जिस दिन फेमस हो जाऊंगी उस दिन तो उसको बिना मास्क लाऊंगी, और मैं भी बिना मास्क जाऊंगी। पिंक स्क्वायर मॉल में, और ये देखिए दो दोस्तों का भरत मिलाप हो रहा है अंदर आते ही। और यहाँ पर इतना क्राउड नहीं जितना होता है हर साल, इतना नहीं है। दोनों को बेचाना है मुझे जरूर, बेचाने में बेचाना है इनका मॉल वाला का। तो हम पहुंच गए थे मॉल के अंदर, और साथ ही के साथ हम वॉशरूम ढूंढ रहे थे क्योंकि शिरीन को ढूंढ जाना था, वॉशरूम यूज़ करना था। तो हम चले वॉशरूम ढूंढने, और वॉशरूम के अंदर हम थोड़ी ओवर एक्टिंग भी करेंगे जो कि सब करते हैं। गाइस हमें वॉशरूम यूज़ करना था, तो उससे पहले हमें लेनी थी यहाँ पर वीडियो फोटो। हर किसी इंसान का शौक होता है जब किसी मॉल में आते हैं तो वो यहाँ पर वीडियो फोटो शूट जरूर करके, हर कोई करते हैं ये, कोई मजाक की बात नहीं बेटे शिरीन। तो हमने तो कर लिया अपना शूट, और अब चलते हैं बाहर। हमने यहाँ पर भी फोटो शूट कर लिया, कोई जगह में ऐसी नहीं छोड़ते जहाँ हम अपना फोटो शूट नहीं करते। वीडियो तो ही क्या रद्दी को बहू देख, अच्छा हाँ कुछ भी नहीं है देख, यही सेम चीज़ रद्दी की बहू हमारे मिलती है बल्कि। हाँ फिर हम जूडियो से बाहर निकलते हुए अपने घर की तरफ जाते हुए तो चले चलते हैं। और फिर हम आ गए थे बाहर मॉल के सामने स्ट्रीट फूड खाने के लिए, जो कि पैसों की बचत नहीं होती, यहाँ का टेस्ट होता है, हम इसलिए यहाँ खाने आते हैं। तो ये हमने लिया था एक मसाला डोसा और एक बर्गर, जो कि शिरीन ने और मैंने साथ साथ खाया था बांट के एक दूसरे से। और शिरीन को वह मसाला डोसा बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसी की बात पे मैं आपको अपना थोड़ा दिखाती हूँ। तो हम पी रहे हैं गन्ने का जूस, क्योंकि ठंडा ठंडा जूस पीना भी बहुत ज़रूरी। फिर आप मेरा थोड़ा देखिए, तो ये बन रहा है हमारा जूस। और व्लॉग का भी यही एंड करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पायल ऑफिस।